Hey guys, so welcome back to my channel, welcome to my video, a much awaited video on mock attempt strategy and which mocks I took, which company, which mocks, which coaching mocks I prefer or I recommend. So मैं अपने दोनों साल के mocks का बताऊंगी कि मैंने कौन से mocks लिए थे, कितने mocks दिए थे, कब कब mock देना चाहिए, mock routine and attempt strategy and analysis. स्टार्टिंग विद विच मॉक्स आई टुक, तो पिछले साल जो मैंने कैट 2022 दिया था उस अटैम्प्ट में मैंने IMS के मॉक्स लिए थे. उसके अलावा मैं आईकॉन्टा के मॉक्स देती थी, क्रैकू का मॉक्स लिया था एंड अन अकेडमी का जो फ्री मॉक्स होते हैं AIMT बोलते हैं जिन्हें, वो दिया था मैंने. तो एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है वाइल यू आर सिलेक्टिंग मॉक्स, वाइल यू आर चूजिंग विच मॉक्स यू शुड परचेज, यू शुड टेक. सिंपल सी चीज़ है कि वो मॉक जो होने चाहिए वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ईजी है, ईजिली आपको 80-90 मार्क्स आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जा रहे हो मॉक्स देखे. सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये रखो कि आप मॉक्स को मार्क्स के लिए नहीं दे रहे हो. यू नॉट गिविंग मॉक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मार्क्स. आप मॉक दे रहे हो ताकि आप अपने माइंड को एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में पढ़ना, एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में वर्क करने की आदत डाल लो. तो होता क्या है ना, इवन इफ़ यू आर वेल प्रैक्टिस, इवन इफ़ यू हैव प्रैक्टिस अ लॉट, यू हैव ट्रेंड योर माइंड अ लॉट, उस एग्ज़ाम में व्हेन आप स्ट्रेस इन्वायरमेंट में एग्जाम दे रहे हो ना, तो बहुत बार आपका दिमाग नहीं काम करता है कि आपको क्या अप्रोच लगाना है अभी उस क्वेश्चन में. तो ये चीज़ कब आती है, जब आप बहुत सारे कैट के मॉक्स दो, जब आप बहुत सारे मॉक्स दे देते हो ना, तो आपका माइंड ट्रेंड हो जाता है कि स्ट्रेस में भी, उस दो घंटे में भी, उस 15 मिनट में भी आपको कैसे सोचना है अप्रोच, कैसे करना है आंसर. सो दैट इज़ वाई हमें मॉक्स देना चाहिए एंड स्टार्टिंग से देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म हो जाए तब देना चाहिए. कमिंग टू विच मॉक्स यू शुड टेक, दिस इज़ अ टोटली सब्जेक्टिव टर्म. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये मॉक अच्छे हैं, ये मॉक बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता है. आप अपने हिसाब से मॉक डेमो मॉक लेके, एक फ्री मॉक लेके सिलेक्ट कर सकते हो इफ़ यू रियली आर कंफर्टेबल विद दैट मॉक. ठीक है, अगर आप देखो होता क्या है कि कैट लेवल के आसपास ही सारे मॉक्स होते हैं, एक दो लेवल ऊपर होते हैं, कोई एक दो लेवल नीचे होते हैं. ऐसा कुछ जो भी आपके फेमस मॉक कोचिंग कंपनीज हैं जो आपको पता है होंगे, उनका मॉक ऐसा नहीं है कि ख़राब होता है, ऐसा कुछ नहीं, वो भी एक दो लेवल ही ऊपर होते हैं, ज़्यादा नहीं. एंड एक दो लेवल ऊपर करके आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, आप अपने माइंड को अच्छे चीज़ों के लिए ट्रेन कर ले रहे हो. सो दैट्स दैट. सो पिछले साल जब मैंने IMS के मॉक्स लिए थे तो मुझे IMS के मॉक्स में मार्क्स नहीं आते थे, आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर. लाइक मुझे कुछ कुछ मॉक्स में 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स ऐसे आते थे, कुछ कुछ नहीं एक्चुअली, मैक्सिमम मॉक्स में मुझे ऐसे ही आते थे. टूवर्ड्स दी एंड आई स्टॉप गिविंग IMS मॉक. एंड क्रैकू का मॉक मैंने लिया था तो क्रैकू के मॉक्स में भी मुझे काफ़ी कम मार्क्स आते थे, 15, 20, 30, एक दो मॉक में तो मुझे 3-4 मार्क्स भी आए हुए हैं नेगेटिव मार्किंग्स एंड ऑल लगा के. तो क्रैकू का काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करता था मॉक, बट वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज पिछले साल आई वॉज लेस प्रिपेयर देन दिस ईयर. सो या दैट्स दैट. देन आईक्वांटा के मॉक्स में मुझे अच्छे मार्क्स आ जाते थे, 50, 60, 70, ऑन एन एवरेज 60-50 आ जाते थे. तो ये दिस इज़ मॉडरेट, ये अच्छा है. आईक्वांटा का उस वक्त मुझे सूट किया तो मैं स्कोर कर पाती थी. तो उसमें होता क्या है कि वो भी कैट लेवल के पास ही है, ऐसा नहीं है कि वो ईजी मॉक है, एंड ऑल ईजी नहीं है, सब कैट लेवल के पास ही के मॉक्स हैं. बस आपको ये जज करना है कि ऐसा नहीं है कि आप एक मॉक में 60 या 70 मार्क्स ले आए तो आप कैट में भी ऐसा ले आओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. या एक मॉक में आपको 10-20 मार्क्स आ गए तो कैट में भी वैसे आएंगे. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आप बस मॉक देते रहो, एनालाइज करते रहो, आंसर्स देखते रहो, सी वॉट यू कुड डू, सी वॉट यू कुड नॉट डू, लुक फॉर द रीजन्स कि आपने कैसे अच्छा परफॉर्म कर लिया या कैसे बुरा परफॉर्म किया, एंड देन सब कुछ हो जाएगा. ये सब चीज़ों को देखते हुए आपका मॉक जो देने का जो पर्पस है ना, वो पूरा हो जाएगा ये सब चीज़ों से. एंड अदर देन दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने सेकेंड ईयर में जो मेरा अभी कैट 2023 मैंने दिया, इसमें मैंने टाइम का मॉक लिया. अन अकेडमी का मैंने लाइक वही फ्री मॉक्स जो AIMT होते हैं वो मैंने दिया, एंड कैट किंग का मॉक्स दिया मैंने, क्योंकि कैट किंग का चैनल मैं पिछले साल भी फॉलो करती थी तो मुझे अच्छा लगता था, मोटिवेटेड फील होता था कैट किंग के वीडियोस को देख के. तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका मॉक्स भी इस बार लिया जाए, तो मैंने उसका मॉक्स दिया. सो दिस टाइम के मॉक्स में मुझे मार्क्स आ जाते थे. मुझे स्टार्टिंग में, व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग फुल फ्लेज्ड मॉक्स, तो मुझे 60 मार्क्स 70 मार्क्स 75 ऐसे टाइम के मॉक्स में आ जाते थे. एंड दिस बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस अलॉट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि टाइम के मॉक्स तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं. एंड जब ऐसे डिफिकल्ट होते हैं तो मुझे 70 मार्क्स आते थे, मुझे लगता था अरे वाह मैं तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हूँ. बट ऐसा नहीं होता है. मॉक का जो स्कोर होता है ना, वो एक रोलर कोस्टर राइड होता है. वो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी आपको मोस्ट डिफिकल्ट मॉक में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो कभी ईजिएस्ट मॉक्स में आप स्कोर नहीं कर पाओगे. इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट. मॉक कैसा है नहीं है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, आपका माइंड सेट कैसा वर्क कर रहा है उस वक्त उस पर डिपेंड करता है. तो कैटकिंग के मॉक्स में मुझे स्टार्टिंग में ठीक ठाक आ जाते थे, 40, 50, 60 मार्क्स आ जाते थे. टाइम के मॉक्स में अराउंड 60-70, स्टार्टिंग के 3 से 4 मॉक्स की मैं बात कर रही हूँ. एंड अन अकेडमी के मॉक्स में 30-40 ऐसे आते थे.
और उसके बाद ग्रेजुअली जब मेरा प्रिपरेशन और बढ़ता गया, मेरे मार्क्स के स्कोर घटते गए एंड आई स्टार्टेड स्कोरिंग लाइक 20 मार्क्स 30 मार्क्स इन ऑल द थ्री मार्क्स, कैट किंग, टाइम, अन अकेडमी. सो वन प्रो अबाउट टाइम मार्क्स वर्स कि उसका एनालिसिस काफ़ी अच्छा है एंड जो मॉक्स के क्वेश्चंस हैं वो मुझे काफ़ी सिमिलर लगे प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स से. तो जो वो क्वेश्चंस हैं उनको लाइक थोड़ा नंबर चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चंस दिए थे ताकि एग्जाम एग्जैक्ट कैट क्वेश्चंस से आप फेमिलियर हो पाओ. तो टाइम के मॉक्स में ऐसा था. कैट किंग का मॉक्स में वन थिंग वट वॉज दैट कि कोई मॉक्स आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे कैट किंग के मॉक्स एंड कुछ मॉक्स आपको बहुत ईजी लगेंगे. तो ये लाइक जो बहुत ईजी एंड बहुत डिफिकल्ट वाले मॉक्स हैं ना, इनको देखना देना मुझे टाइम वेस्ट लगता है पर्सनली. बिकॉज आप बहुत ईजी मॉक देखिए, भले आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे 80 मार्क्स आ गए, 70 मार्क्स आ गए, 50 मार्क्स आ गए, वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है ना. आप ना उसके एनालिसिस में आपको कुछ हेल्प हो रहा है, ना वो मॉक देने में आपको कुछ हेल्प हो रहा है, ना आप एग्जाम एनवायरमेंट के लिए ट्रेन हो रहे हो. बिकॉज वो दो घंटा में बैठ के आप कैट के लेवल के क्वेश्चन के बारे सोच ही नहीं रहे हो, वो तो बहुत ईजी क्वेश्चन हैं. तो इसीलिए मुझे पर्सनली सबसे ईजी वाले एंड सबसे हार्ड वाले मॉक्स देने का कोई फ़ायदा नहीं लगता. तो मॉडरेट लेवल के जो मॉक्स होते हैं वही अच्छे होते हैं. तो कैटकिंग में कुछ मॉक्स थे मॉडरेट लेवल के, विच वॉज नॉट LOD 1, विच वॉज नॉट LOD 3, LOD 2 लेवल के क्वेश्चन, कैट लेवल के क्वेश्चन आते थे एंड वो काफ़ी अच्छे मॉक्स हुए करते थे. तो कैटकिंग के सारे मॉक्स अच्छे नहीं हैं, बट कुछ मॉक्स अच्छे हैं. एंड अनअकैडमी मुझे ओवरऑल अच्छा लगता है. आप अनअकैडमी का जो फ्री मॉक्स है AIMT वो दे सकते हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उसका जो लाइक एनालिसिस है एंड एवरीथिंग. दे प्रोवाइड वीडियो एनालिसिस भी हो ही जाता है यूट्यूब वगैरह पे, वो लोग करा ही देते हैं. एंड मॉक भी मुझे सिमिलर लगे कैट से. मैंने जैसे आपको बोला कि कैट से एक दो लेवल ही ऊपर नीचे ही होते हैं सारे मॉक्स, तो अनअकैडमी का भी वही है. बट हाँ ये कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है इसमें, ऐसा नहीं कि कोई मॉक बहुत डिफिकल्ट दे देगा तो कोई मॉक बहुत ईजी दे देगा. मॉडरेट लेवल का कैट लेवल का क्वेश्चन रहता है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट मॉक. बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसा नहीं कि फ्री है तो फ्री ही मॉक की तरफ भाग रहे हैं, परचेज कर ही नहीं रहे. मॉक्स इज समथिंग जिसमें आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. इवन इफ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग, मॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पैसे लगाने ही पड़ेंगे. आपको एक मॉक खरीदना ही चाहिए भले आप जितना भी फ्री वर्जन दे रहे हो मॉक के. ठीक है, दैट्स दैट. सो ये हो गया अबाउट द कोचिंग, अबाउट द मॉक्स दैट आई टुक, अबाउट द मॉक्स दैट आई रिकमेंड. ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. यू कैन ट्राई मॉक्स एंड यू कैन फिगर आउट योर सेल्फ कि आपको, आप पहले प्रीवियस ईयर को कैट के पेपर्स दे दो एज मॉक्स, आप प्रीवियस ईयर कैट के पेपर्स दे दो, फ्री में अवेलेबल है क्रैको के वेबसाइट पे. वो देने के बाद यू डिसाइड कि आपको लाइक उस लेवल का मॉक किस में मिल रहा है. आपको हर जगह फ्री मॉक, डेमो मॉक मिल जाएंगे, तो वो सब आप दे के मिल जाएंगे, तो वो सब आप दे के डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा सबसे सिमिलर लग रहा है प्रीवियस ईयर पेपर्स के, और किस कैसे आपको सिमिलर मार्क्स कहाँ आ रहे हैं जैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर को दे के आ रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, तो सबसे पहले तो रूटीन, आपको कब मॉक्स देने चाहिए. तो करेंटली अभी मई चल रहा है, आई एम अज्यूमिंग आप अभी अगर अपना प्रेप स्टार्ट किए हो तो अभी आप मई से लेकर जुलाई तक हर महीने दो मॉक, दो से तीन मॉक, अगर तीन दे सकते हो तो बहुत बढ़िया. तो हर महीने दो से तीन मॉक आप दो, दैट कुड बी हफ्ते में एक बार, जब भी आप अपने रूटीन में डाल लो कि आपने इस दिन ये मॉक देना, इस दिन ये मॉक देना. ठीक है, दिस गोज़ टू टिल जुलाई. आफ्टर जुलाई आपको अपना मॉक्स का जो कंसिस्टेंसी है जो वो है वो बढ़ाना पड़ेगा. अगस्त से आपको एटलीस्ट महीने के 6 से 7 मॉक देने चाहिए. सो अभी तक जुलाई में अगर आप हर महीने तीन मॉक देते हो तो 9 मॉक्स आपके यहीं पे हो गए. चलो ये कंसिडर कर लेते कि मई में आपने दो मॉक दिए तो 8 मॉक्स आपके यहीं पे हो गए. अगस्त एंड सितंबर आई वुड रिकमेंड महीने के 6 मॉक, तो 12 मॉक्स, सो 20 मॉक्स यहाँ पे हो गए. एंड देन अक्टूबर के स्टार्ट होते ही आपको हर दो से तीन दिन में एक मॉक देने चाहिए. तो दिस विल मतलब मेक यू टारगेट अराउंड 30-40 मॉक्स एंड दिस इज मोर देन एनफ टू क्रैक कैट. इतने मॉक्स में आप वेल ट्रेंड हो जाओगे, हर क्वेश्चन में आप अगर अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो, हर मॉक में 66 क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपने अटेम्प्ट नहीं भी किया है उन क्वेश्चंस को भी आप आंसर्स देखोगे, एनालाइज करोगे, तो यू विल रीच एट दिस स्टेज कि आप लाइक अगर मैं 60 क्वेश्चंस अज्यूम करूँ तो 40 मॉक्स के हिसाब से 2400 क्वेश्चंस आप एनालाइज कर रहे हो, सीख रहे हो. तो बहुत ज़्यादा होता है ये सब, तो आप एनालाइज करो अच्छे से एंड ये सारे मॉक्स 40 मॉक्स को एम करो जैसा रूटीन मैंने बनाया उस हिसाब से एंड यू विल क्रैक इट फॉर श्योर. एक और वीडियो मैं बनाऊंगी ऑन मॉक एनालिसिस कि मैं कैसे मॉक को एनालाइज करती थी एंड आई होप इट हेल्प्स. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट. मॉक्स में बिल्कुल भी देरी मत करना, मॉक्स अभी से लेना स्टार्ट कर दो एंड सी फॉर योर सेल्फ. डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाई मार्क्स, यू आर जस्ट गिविंग मॉक्स टू ट्रेन योर माइंड फॉर एग्जाम एनवायरमेंट, इस बात को हमेशा याद रखना. एंड नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस पे होगा. That's all. Like, share, subscribe. Bye-bye, guys. Do comment on this video if you want any other topic or any other video.